ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट पावर्ड बाय ट्रांसपोर्ट मॉल। दोस्तों, 24 मार्च को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के अंदर 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया, उस समय लाखों ट्रक जो थे वो सड़कों के ऊपर चल रहे थे, देश के हाईवेज के ऊपर दौड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ तो तमाम जो ट्रक थे वो अपनी अपनी जगह पर जहाँ पर भी वो थे वहीं पर रुक गए। लेकिन उसके साथ कई दिक्कतें आईं जिसका जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और लेकिन एक और नई दिक्कत ये आई जिसका जिक्र अभी तक हमने ट्रांसपोर्ट टीवी पर नहीं किया, वो है ई वे बिल। जैसे कि हम सब जानते हैं देश में जो GST लॉ है उसके अंतर्गत एक लिमिट के ऊपर अगर माल है आपकी गाड़ी के अंदर तो आपको ई वे बिल साथ में लेकर चलना ज़रूरी होता है, और हर ई वे बिल की डिस्टेंस के हिसाब से कितनी दूरी तक आपको जाना है उस समय के हिसाब से उस दूरी के हिसाब से एक वैलिडिटी होती है कि इतने दिन तक यह ई वे बिल जो है वो वैलिड रहेगा, उसके अंदर अंदर ये माल वहां तक पहुंचाना है। लेकिन लॉकडाउन के चलते क्या हुआ कि गाड़ियां रास्ते में रुक गई और जो ई वे बिल थे लगभग सभी गाड़ियों के वो एक्सपायर हो गए। वो जो तय समय सीमा थी ई वे बिल की उसके अंदर अंदर गाड़ियां अपना माल लेकर अपने जो डेस्टिनेशन था वहां तक नहीं पहुंच पाई। इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि एक्सपायर्ड ईवे बिल लेकर गाड़ी चलाना, माल लेकर जाना खतरे से खाली नहीं होता है। सेक्शन 122 है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 का, जिसके तहत कम से कम 10,000 रुपए जुर्माना होता है और जुर्माने की हद जितना टैक्स पूरे माल के ऊपर बनता है उसका 100% जुर्माने का भी प्रावधान होता है। यानी कि मान लीजिए पूरे माल पर 20,000 रुपए टैक्स है तो जो पेनल्टी होगी वो 20,000 का टैक्स तो देना ही है, 20,000 रुपए और पेनल्टी के रूप में देना होगा, तो भारी जुर्माने होते हैं। और सेक्शन 129 है जो CGST एक्ट का, उसके तहत गाड़ियों को डिटेन भी कर लिया जाता है, गाड़ियां पकड़ भी ली जाती हैं। तो ये हम सब जानते हैं और इसी को लेकर चिंता थी पूरे देश के अंदर व्यापारियों की के मन में भी और गाड़ी मालिकों के मन में भी कि गाड़ियों को कहीं पकड़ ना लिया जाए जब भी गाड़ियां चलेंगी तो, क्योंकि उनके ई वे बिल जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं। इसको लेकर ट्रांसपोर्ट टीवी पर भी लगातार आपकी क्वेरीज आ रही हैं, तो आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर हम इसी के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर 3 अप्रैल 2020 को ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी, और उसके अंदर ये साफ तौर पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं, वेयर एन ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड अंडर रूल 138 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रूल्स 2017 एंड इट्स पीरियड ऑफ वैलिडिटी एक्सपायर्स ड्यूरिंग द पीरियड 20th day of March 2020 टू 15th day of April 2020, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सच ई वे बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एक्सटेंडेड टिल द 30th day of April 2020। आसान भाषा में कहूँ तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो भी ई वे बिल आपने निकाला हुआ था और वो अगर एक्सपायर हो रहा है, अगर उसकी एक्सपायरी डेट 20 मार्च से लेकर 15 अप्रैल 2020 के बीच बीच में है तो अपने आप उस ई वे बिल की जो वैलिडिटी है वो बढ़ जाएगी, और बढ़ के हो गई है 30 अप्रैल 2020। तो अगर आपका जो ई वे बिल है वो एक्सपायर हुआ है 20 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसकी अपने आप जो है अब वैलिडिटी 30 अप्रैल 2020 हो चुकी है। इस नोटिफिकेशन की कॉपी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देंगे। अगर आपको रोकता है, कोई अथॉरिटी रोकती है या कोई चालान करने की कोशिश करता है तो ये नोटिफिकेशन आप उनको दिखा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अहम जानकारी हमने आपको दी है ये आपके लिए लाभकारी साबित होगी और आप बिना वजह की जो हैरेसमेंट है या चलान है, पेनल्टी है, उससे बचेंगे। वैसे तो इस मुद्दे को लेकर ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन एटवा के प्रेसिडेंट महेंद्र आर्य जी से हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है देश के अंदर तब तक ये जो ई वे बिल का सिस्टम ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि दिक्कतें पहले भी बहुत सारी आ रही हैं, परेशानी आ रही है एसेंशियल कमोडिटीज को मूव कराने में, उसके अंदर ये तमाम चीजें कुछ दिनों के लिए रोक देनी चाहिए ताकि जो मूवमेंट है वो फ्रीली हो सके। अच्छा आइडिया है अगर सरकार इसे माने तो। खैर, आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये जो लॉकडाउन है वो 14 अप्रैल को जैसे कि पहले तय किया गया था तभी खत्म होगा या इसे एक्सटेंड किया जाता है, तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, जिसकी जानकारी हम आपको ट्रांसपोर्ट टीवी पर देंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि तमाम ये जो छूट दी गई है कई चीज़ों के अंदर, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो, टैक्स को लेकर हो,
बीमा को लेकर हो या फिर इसी ईवे बिल को लेकर हो, अगर ये एक्सटेंशन होती है लॉकडाउन की, आगे बढ़ता है, तो फिर ये तमाम जो छूट दी गई है ये भी आगे बढ़ानी होगी सरकार को, दोबारा से नोटिफिकेशन जारी करनी होंगी। तो कोई भी ऐसी चीज होती है तो आपको इंफॉर्मेशन के लिहाज से कम डरने की जरूरत नहीं है। तमाम जो जानकारी है वो आपको ट्रांसपोर्ट टीवी पर बिल्कुल सटीक और बिल्कुल टाइम के साथ मिलती रहेगी। हम चाहेंगे कि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको इस रिपोर्ट के अंदर दी है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि सभी तक ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके। आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो चैनल को यूट्यूब और फेसबुक पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाए बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।